मैं विकास सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। चंद्रा मैं भाई विकास का तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। मैं अपने YouTube चैनल पे क्लास 10th के वीडियोस को अपलोड करता हूँ। उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है 10 1 degree एंड 10 × 10 2 degree × 10 3 degree –10 89 degree =1। देखिए ये कैसे प्रूफ होगा। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटेक्निक UPBEDS ऐसे UPTU हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा और इससे प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। लिखेंगे 10 1 degree 10 2 degree × 10 3 degree –10 89 degree। इसको हम करेंगे 10 1 degree × 10 2 degree × 10 3 degree। इसको हम डैश डैश लिखेंगे, ठीक है। और हम इधर से भी हम 10 88 10 87 ऐसे करते हुए लिख सकते हैं इधर भी, क्योंकि डैश डैश है ये 89 तक जाएगा। तो हम इधर से 10 44 degree × 10 46 लिख सकते हैं क्या, ऐसे 46 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये फिर जाएगा आगे बढ़ेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 87 × 10 88 × 10 89। अब देखिए हम क्योंकि ये 80 98 तक जा रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके, ये डैश दिया हुआ है 89 तक जा रहा है। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, 89 और 10 इसको एक साथ ले लेंगे, 88 और 2 को एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ इसको ऐड करने देंगे। देखिए तब क्या होगा, हम लिखेंगे 10 1 degree × 10 89 degree एक ब्रैकेट में इंटू लिखेंगे 10 2 × 10 88 × 10 3 × 10 87 और हमारा डैश 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 करके चला जाएगा कहाँ तक, 10 यहाँ तो आ गया 98 89। अब यहाँ पे लिख देंगे 10 40 44 × 10 46। अब हम देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या, तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट बना लेंगे 10 90 माइनस, अगर हम 89 कर दें तो 10 1 आ जाएगा और हम 10 90 89 एज सच छोड़ देंगे कर्ली ब्रैकेट में। इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे 10 90 माइनस 88 कर लें तो ये आ जाएगा 10 2 × 10 88 हम एज सच छोड़ देंगे। ऐसे इसी को इसको भी कर लेंगे 10 90 माइनस 87 × 10 87 एज सच छोड़ देंगे। इंटू डैश 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 करके लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 10 90 माइनस 46 और यहाँ पे 10 46 लिख सकते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट
बंद कर लेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब देखिए अगले लाइन में क्या होगा, ये हम जानते हैं कि 1090 माइनस थीटा को हम लिखते हैं काट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, काट कर्ली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, काट काट 89 इंटू 1089, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर ये क्या हो जाएगा, काट 88 इंटू 1088, और ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, काट 87 डिग्री इंटू 1087 डिग्री, ठीक है, डैश डैश डैश। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा काट 46 इंटू 1046। अब देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर ये 10 का रेसिप्रोकल होता है काट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 89 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 10 थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा, यही होता है ना, हम तो ये पीछे देख चुके हैं अगले वीडियोस में, ये होता है और ये होता है 1089, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/1088 इंटू 1088 डिग्री, और ये हो जाएगा 1/1087 डिग्री इंटू 1087 डिग्री, ऐसे डैश डैश डैश। उसके बाद हो जाएगा ये 1/1046 इंटू 1046, ये होगा, और उस ये अब देखिए क्या होगा, ये 1/1 है, ये इंटू है, तो ये कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, सारे के सारे कट जाएंगे, ठीक है। तब क्या होगा, हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 डैश डैश डैश, ये सारे 1 हो गए ना, ये सब 1 1 चले आते आते चले जाएंगे, ये सारे के सारे कट जाएंगे, 1 इंटू 1, तो आ गया 1, यही हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इवेल्यूट क्या होगा, इवेल्यूट लिखा हुआ है cos 58/sin 32 + sin 22/cos 68 - cos 38 × cosec 52 पूरे का 10 18 degree × 10 55 × 10 60 × 10 72 × 10 45। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन में पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 32 लिखेंगे तो आ जाएगा, 32 लिख लें तो 58 आ जाएगा, घटाएंगे तो 58 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा sin 32 ऐसा छोड़ देंगे, इसी तरह इसमें कर लेंगे हम, sin अगर 90 माइनस 68 कर लें तो क्या होगा, 22 आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन होता नहीं है हम लोग को, अगर हम 68 को घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, फिर साइन 22 हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं इसको cos 90 - 52, अगर हम कर दें तो 38 आ जाएगा, 90 में से 52 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 38 आएगा, इसको छोड़ देते हैं हम, cos 52 एज सच छोड़ देते हैं हम, ऐसे ही नीचे भी करेंगे, नीचे कर लेते हैं
10 90 माइनस 72 कर दें अगर तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 90 माइनस अगर 90 माइनस 55 कर दें तो 35 आ जाएगा, और 10 60 इंटू 10 70 एंड 10 55 को ऐसा छोड़ देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, हम जानते हैं कास 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, इसी तरह 10 90 माइनस थीटा होता है काट थीटा, और बस इतने चीजों का इसमें यूज है। तो देखिए क्या, ये क्या हो जाएगा, साइन 32 हो जाएगा, और ये अपन साइन 32, और प्लस ये क्या होगा, कास हो जाएगा, कास 68 अपन हो जाएगा, ये कास 68 ये होगा, और ये माइनस, यहाँ पे देखिए ये साइन हो जाएगा, साइन 52 होगा इंटू कॉसेक 52, और हम पूरे का अपान कर लें तो ये क्या होगा, काट 72 इंटू, इस 72 को हम इसके पास लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 10 72, और ये देखिए ये आएगा क्या, काट 55 आएगा, और यहाँ पे 10 55 है, तो इसको हम एक पास कर लेते हैं। अब क्या बचा, इंटू 10 60 बचा, ये सारे वैल्यू 1 हो जाएंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और ये भी कॉसेक भी कट जाएगा, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन होगा तो कट के 1 आ जाएगा। तो देखिए ये 1 प्लस 1 और ये प्लस, ये क्या होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस क्या होगा, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 52 अपान, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपान साइन 52, और नीचे ये देखिए ये सब 1 हो जाएगा। ये हम अभी पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि cot 72 इंटू 10 72 ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इंटू ये भी 1 हो जाएगा, और 10 हम 60 को जानते हैं होता है 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है रूट 3, ये होता है, तो हम 10 60 को क्या लिखेंगे, रूट 3, इससे ये कट जाएगा, इसको ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 अपान ये क्या होगा, 2 अपान ये रूट 3 ये होगा, तब ये इतना होगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करके 2 रूट 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए हैं, और ये फिर माइनस 1, और ये हो जाएगा रूट 3, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इवेल्युएट इसको, देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 अपान 3 कास स्क्वायर 70 माइनस 2 प्लस 3 कास स्क्वायर 73। तब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये साइन है और ये साइन है, इसको हम एक पास लिख लेते हैं, तो इसको हम एक पास लिख लेंगे तो होगा 2 साइन स्क्वायर 63
प्लस टू साइन स्क्वायर 27 और ये लास्ट में लिख लेते हैं प्लस वन। इसी तरह इसमें भी करेंगे, कास कास को हम एक पास लिखेंगे, थ्री कास स्क्वायर 70 प्लस थ्री कास स्क्वायर 73 और माइनस टू लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से टू को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख लेंगे टू को कॉमन करके साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस वन, ये होगा। और ऐसे ही हम नीचे थ्री यहाँ से कॉमन दिख रहा है तो थ्री को कॉमन कर लेंगे, कास स्क्वायर 70 प्लस कास स्क्वायर 73 और यहाँ पे माइनस टू लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कुछ चेंजिंग्स होंगे, टू अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 63 इसको देखिए हम प्लस साइन अगर स्क्वायर 90 माइनस 63 कर दें तो 27 आ जाएगा, 90 में से 63 को हटाए तो 27 आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही नीचे भी कर लेते हैं, कास स्क्वायर 70 प्लस कास स्क्वायर 90 माइनस अगर 70 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 73, ये भी आ जाएगा और माइनस टू। अब देखिए यहाँ से तब क्या होगा, टू ये क्या होगा साइन स्क्वायर 63 और ये क्या होगा प्लस, देखिए ये साइन और 90 माइनस 63 है तो हम लिख सकते हैं कास कास स्क्वायर 63 ये लिख सकते हैं प्लस वन। और नीचे इसी तरह थ्री और ये कास स्क्वायर 70 है तो इसको लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर 70 ये लिख सकते हैं माइनस टू। अब ये वाले हम पिछले लेक्चर में ही पढ़े थे कि ये वाला पूरा पार्ट साइन स्क्वायर अगर थीटा है प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो इसका वैल्यू हो जाता है वन, तो ये भी वन और ये भी वन, इसके हिसाब से तो टू इंटू वन प्लस वन और नीचे क्या आ जाएगा थ्री इंटू वन माइनस टू। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा टू प्लस वन और यहाँ पे थ्री माइनस टू, तो ये क्या होगा थ्री और ये नीचे ऊपर आ गया थ्री और नीचे आ गया टू, थ्री में से टू जाएगा तो वन आएगा तो ये आ गया थ्री, इसका आंसर होगा हमारा थ्री, ये हमारा आंसर होगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है इफ साइन थ्री ए इक्वल टू कास ब्रैकेट में ए माइनस टेन वेयर थ्री ए इज अ एक्यूट एंगल देन फाइंड द एंगल ए, हमको ए बताना है इसको फाइंड करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे गिवन दैट हमको क्या दिया हुआ है साइन थ्री ए इक्वल टू कास ए माइनस टेन ये लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थ्री ए, इसको हम लिख सकते हैं कास, इसको कास 90 माइनस अगर 3a करें तो साइन a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हम लिख लेते हैं कास 90 माइनस 3a और इधर क्या करते हैं कास a माइनस 10 कर लेते हैं। अब देखिए दोनों साइड में कास आ गया, ये कास आ गया दोनों साइड में तो कास से कास हट जाएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल टू a और 10। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस
10 और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3a, प्लस 3a हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 4a होगा और इसको हम ऐड करेंगे तो 100 होगा, ये 100 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 अपॉन 4, और जब ये कटेगा तो 25 आएगा, 25। तो हमारा a की वैल्यू 25 होगी, ये हमारा आंसर होगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इफ 10 2a इक्वल टू काट a माइनस 21 वेयर 2a इज एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे सोलूशन, सोलूशन फिर लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट हमको दिया गया है 10 2a, 2a है एक्यूट एंगल, इसको हम और इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस 21। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a, तो आ जाएगा 10a। देखिए इसको लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a, फिर आ जाएगा 10a। होता है यहाँ पे होता है 10a इक्वल टू काट 90 माइनस a, ये होता है तो ये इधर आ जाता है ऐसे। तो फिर यहाँ पे हम एज सच लिख देंगे काट a माइनस 21। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में काट आ गया, तो काट से काट हट जाता है, तो दोनों साइड में काट ही रहता है तभी हटता है, साइन होगा तो नहीं हटेगा, कास होगा होगा तो नहीं हटेगा, दोनों साइड में कास कास होना चाहिए, साइन साइन होना चाहिए, टेन टेन होना चाहिए, काट काट होना चाहिए तभी हटता है वो 90 माइनस 2a, और ये हो जाएगा a माइनस 20। हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 21, और यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2a, यहाँ पे ये हो जाएगा 3a, देखिए 3a, और ये हो जाएगा 111। 111 होगा, ये 111 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे a इक्वल टू 111 अपॉन 3, तो a की वैल्यू ये और ये कटेगा तो a की वैल्यू आ जाएगा 37, ये हमारा आंसर होगा 37, इसका आंसर 37 होगा। स्टूडेंट हमारा छठा क्वेश्चन है, इफ सेक 5a इक्वल टू कोसेक a माइनस 30 वेयर 5a इज एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन दैट हमको दिया क्या है sec 5a इक्वल टू cosec a माइनस 30 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 5a लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 5a, तब ये आ जाएगा sec 5a। तो हम इधर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं cosec a माइनस 30 एज सच, और ये क्या होगा, ये हमारा देखिए यहाँ पे भी cosec आ गया, यहाँ पे cosec आ गया, हम हर लेक्चर में बता रहे हैं कि अगर दोनों साइड में cosec आ गया तो cosec हट जाता है, तो यहाँ से भी cosec हट जाएगा, 90 माइनस 5a आ जाएगा, और इधर क्या होगा a माइनस 30 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा 90 और ये 30 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, और हम यहाँ पे क्या करते हैं a माइनस है यहाँ पे तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5a। अब देखिए तब हम क्या कर सकते हैं, ये जुटेगा तो 6 होगा और ये जुटेगा तो हो जाएगा 110। तो देखिए क्या करते हैं, तब हम देखेंगे ये जुटेगा
तो हो जाएगा 120 और ये जुटेगा तो होगा 6। तो हम लिख सकते हैं 6a इक्वल टू 120, ये लिख सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, a यहीं पे रख देंगे और ये 6 120 को डिवाइड कर देगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा 20 डिग्री। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट हमारा 7वां क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस 34 इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा प्लस 34 इज एक्यूट एंगल, सो डेट एक्यूट एंगल होना चाहिए, यहाँ पे एंगल होना चाहिए, सो डेट थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमको इसको शो करना है थीटा इक्वल टू 28 डिग्री होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, गिवन डेट साइन थीटा माइनस प्लस होगा सॉरी प्लस कास थीटा। अब देखेंगे हम, ये लिखा हुआ है, इसको हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, तभी आ जाता है कास थीटा। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाता है कास थीटा हो जाता है, होता है। तो हम यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 34 और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। तब दोनों साइड से साइन हट जाएगा, हट जाता है, हम हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, तो साइन से साइन हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा प्लस 34 और यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस ये। फिर हम क्या करेंगे, इधर आएगा तो हो जाएगा थीटा प्लस थीटा और ये 90 माइनस 34 हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 थीटा लिख सकते हैं और ये जब 90 में से 34 घटता है तो आता है 56। अब फिर क्या करेंगे, थीटा 56 अपान 2 करेंगे, ये 2 डिवाइड कर जाएगा इधर को, तो ये कट जाएगा 2 और 8 28, यानी कि थीटा इक्वल टू 28, ये ही हमको शो करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ, ये हमारा हो गया प्रूफ। स्टूडेंट हमारा 8th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल such that sin a equal to cos b, proof that a plus b equal to 90 degree। तो देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं given that, हमको क्वेश्चन में दिया क्या है ये हमको सबसे पहले लिखना होता है, given that दिया है, ये दिया हुआ है और a और b acute angle है, तो देखिए ये दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए इक्वल टू साइन बी, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या होगा, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है कॉस कॉस बी, तो हम देखिए क्या करेंगे, और ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू यहाँ पे साइन 90 माइनस अगर बी करें तो क्या होगा, कास बी आ जाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा। हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फर्स्ट लेक्चर में ही इन सारे वैल्यूज को प्रूफ किए हैं।
ये सारे वैल्यूज को प्रूफ किए हैं। अब क्या होगा, साइन से साइन है तो दोनों साइड में साइन है तो हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी। फिर क्या होगा, हम b को इधर लेके आके 90 को वहीं पर आने देते हैं, तब क्या होगा a और ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस और ये 90। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए हमको a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री ही प्रूफ करना है, ये डिग्री है और ये हमारा हो गया प्रूफ। स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लेक्चर्स को अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट हमारे चैनल को प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।